दोस्तों, आपने जावर माता मंदिर के बारे में तो बहुत ही सुना होगा। जी हाँ, आज मैं आपको ले चलता हूँ उसी जावर माता मंदिर की तरफ। उदयपुर से अहमदाबाद हाईवे पर जब आप 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं, लगभग तभी आता है टीडी गांव। टीडी गांव के उसी चौराहे पर जब आप उतरेंगे और वहाँ से जावर माइंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ी ही दूर में लगभग 2.5 किलोमीटर पर एक डाइवर्जन मिलेगा। वो आपको ले जाएगा जावर माता का इस प्राचीनतम मंदिर की तरफ। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 11वीं सदी में की गई थी, मगर जब अलाउद्दीन खलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया सन 1303 के लगभग, तब उसने जावर को भी लूटने का प्रयास किया और इसी दौरान इस मंदिर को पूरी तरह क्षतविक्षत कर दिया गया था। इससे पहले इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसके बाद जब इस मंदिर का 1313 सन में पुनर्निर्माण किया गया, तब जाकर के मेवाड़ के महाराणाओं ने इस मंदिर में माता की मूर्ति की स्थापना करी। तब से लेकर आज तक इस मंदिर की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस मंदिर में स्थानीय ही नहीं बल्कि आदिवासी, उदयपुरवासी और इनके समेत देश और विदेश के दूर दूर से दर्शनार्थी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में प्राचीन शिलालेख को यहाँ पर देखा जा सकता है, साथ ही साथ पशु बलि के लिए एक अलग से कक्ष का निर्माण किया गया है। चूँकि ये मंदिर एक आदिवासी क्षेत्र में आया हुआ है, पशु बलि आमतौर पर यहाँ पर देखी जाती है। और यह है चमत्कारी प्रार्थनीय जावर माता की मूर्ति और यह है जावर माता मंदिर का अंतरिम कक्ष। बहुत ही शानदार पौराणिक मंदिर जिसे दोबारा से रिनोवेट किया गया है। यहाँ पर आपको एक अंतर मन का सुकून और अध्यात्म का पूरा आनंद मिलता है। और ये है पुराने मंदिर के कुछ अवशेष और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर का वो प्राचीनतम ढांचा जो हमारे इतिहास में एक अनोखी जगह रखता है। और ये है जावर माता मंदिर का वो पौराणिक ढांचा जिसपे कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। जावर माता के इस मंदिर में दाहिनी तरफ एक सभा कक्ष भी देखा जा सकता है, साथ ही साथ एक बड़ा हॉल का निर्माण भी किया गया है जहां पर आप प्रसादी का आयोजन कर सकते हैं। सो यह है जावर का प्रसिद्ध मंदिर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।